नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ चॉकलेट कैनेपे। चॉकलेट कैनेपे बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए, ब्रेड 6 से 7, चॉकलेट 150 ग्राम, मक्खन 1 चम्मच, कटे बादाम 1 चम्मच, कटे काजू 1 चम्मच, अखरोट 8 से 10 नग, बिस्कुट 6 से 7 या आवश्यकता अनुसार। सबसे पहले गैस जलाएंगे और हांडी में 1 ग्लास पानी डालकर ढक्कन लगाकर तेज आंच पर उबाल लेंगे। अब ढक्कन उतारेंगे और 1 कटोरी में बारीक चॉकलेट को काटकर डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच पानी डालेंगे। आप चाहें तो इसमें दूध या क्रीम भी डाल सकते हैं और लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि चॉकलेट पूरी तरह घुल ना जाए। चॉकलेट पिघलकर तैयार हो चुकी है। अब गैस को बंद कर देंगे और पिघली हुई चॉकलेट में तोड़कर बिस्कुटों को डालेंगे और चम्मच से चलाते हुए मिलाएंगे। आप इसमें मनपसंद बिस्कुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड लेंगे और कटोरी या कटर की मदद से मनचाहे आकार में काट लेंगे। हमने यहाँ गोलाकार में ब्रेड को काटा है। अब दोबारा से गैस जलाएंगे और पैन में 1 चम्मच मक्खन डालकर गरम करेंगे। आंच को कम कर देंगे। अब इसमें बादाम, काजू, अखरोट डालकर चलाते हुए 30 सेकंड तक भून लेंगे। अब भुने हुए सूखे मेवों को साइड में लगा देंगे और कटे हुए ब्रेड को पैन में रखेंगे और भुने हुए मेवों को 1 प्लेट में निकाल लेंगे। ब्रेड को पलट देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। ब्रेड को हम एक तरफ से कम सेकेंगे और दूसरी तरफ से ज़्यादा सेकेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं, ताकि ब्रेड कुरकुरा बने। चॉकलेट को दोबारा से मिलाएंगे और भुने हुए ब्रेड पर चम्मच की मदद से चॉकलेट लेकर ब्रेड पर लगाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। ऐसे ही सभी ब्रेडों पर चॉकलेट बिस्कुट के मिश्रण को लगा देंगे। चॉकलेट लगी हुई ब्रेड पर भुने हुए सूखे मेवों को लगाएंगे और प्लेट में सजाकर परोसेंगे। आप इसमें मनपसंद सूखे मेवों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट maankirasoi.net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।